नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप देख रहे हैं SBT 790। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं में होने वाले पीरियड्स के समय दर्द के बारे में। दोस्तों इस टॉपिक पे हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट करते हैं कि सर हमारे जब पीरियड्स आते हैं तो उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हमें पेन होता है, तो उस केस में कौन से सिरप का प्रयोग करें। तो इस टॉपिक पर वीडियो हमारे चैनल पर हैं ऑलरेडी, लेकिन हम फिर से सोचें कि आपको एक रिवाइंड करवा दें एक वीडियो बना के, जिसमें आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दें कि अगर आपको पीरियड्स के समय पेन होता है तो उस केस में आप कौन से सिरप का प्रयोग करें, कौन से टैबलेट का प्रयोग करें, जिससे आपको काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। तो इसके लिए हमने चुना है सच्ची सहेली सिरप को, जो कि काफ़ी अच्छा रिस्पांस देता है। और इस टॉपिक पे हमने लगभग एक से डेढ़ महीने पहले एक वीडियो डाला था सच्ची सहेली के ऊपर, जिसमें हमें काफ़ी सारे कमेंट आए कि किस तरह से इसका प्रयोग करें। उस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं हो पाया था किस तरह से उसका प्रयोग करें, तो हम आपको आज बताएंगे सच्ची सहेली का आपको किस तरह से प्रयोग करना है ताकि आपको बेटर से बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिल सके। तो जो सच्ची सहेली सिरप होता है काफ़ी ये बेटर रिस्पॉन्स देता है अगर आपको पीरियड्स के समय पेन होता है, या फिर कुछ लोगों में पीरियड्स के समय काफ़ी हैवी पेन होता है, कुछ लोगों को कम पेन होता है, या फिर कुछ लोगों के जो पीरियड्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिले से आते हैं या फिर काफ़ी जल्दी आ जाते हैं। तो वो लोग वो महिलाएं अगर सच्ची सहेली सिरप का प्रयोग करती हैं तो काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलता है उनको। वैसे तो मार्केट में और भी बहुत सारे दवाएँ अवेलेबल हैं, जैसे आपका फीमेल रेडिसन सिरप हो गया या फिर हेम पुष्पा हो गया, और आपका M2 टोन आता है, वो भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। लेकिन उसके कंपेरिजन में जो सच्ची सहेली है ये हमें काफ़ी अच्छा लगा, और अपने पेशेंट्स को भी रिकमेंड करते हैं, वो लोग भी प्रयोग करते हैं और जिनका फीडबैक काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। अदर सिरप के अकॉर्डिंग जैसे हम पुष्पा हो गया, फीमेल रेडिसन हो गया, ये सब भी अच्छा वर्क करता है, लेकिन सच्ची सहेली बेटर है सबसे, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है। तो अगर आपका आपके जो पीरियड्स हैं वो डिले से आते हैं, लेट से आते हैं, या फिर अगर आपके पीरियड्स पहले आ जाते हैं, या फिर आपको पीरियड्स के समय काफ़ी ज़्यादा हैवी पेन होता है पेट में, तो उस केस में अगर आप सच्ची सहेली सिरप का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। दोस्तों एक और जो सबसे ज़्यादा मोस्टली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है कि कितने दिनों तक इसका प्रयोग करें। तो इसके प्रयोग का कोई नियमित समय नहीं है कि आप इतने दिनों तक प्रयोग करें, ये आपके प्रॉब्लम्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो लगभग 1 से 2 महीने तक इसका प्रयोग करना होगा आपको, और अगर आपकी प्रॉब्लम कम है, जैसे आपके 1-2 दिन आगे पीछे आ रहा है पीरियड्स, तो उस केस में अगर आप 1 महीने तक इसका प्रयोग कर लेते हैं तो उससे आपको काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। कुछ महिलाओं के पीरियड्स होते हैं 2-2, 3-3 महीने नहीं आते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं प्रॉब्लम को, तो वो लोग लगभग 2 से 3 महीने तक, 3 महीने तो बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 2 महीने तक इसका प्रयोग करें तो उनका जो पीरियड है वो नॉर्मल हो जाएगा। बात कर लेते हैं कि किस तरह से इसका प्रयोग करना है, उसके बाद में बताएंगे कि अगर आपके पीरियड के समय बहुत ज़्यादा आपको हैवी पेन होता है तो आप कौन से दवा का प्रयोग करें जिससे आपको बेटर रिस्पॉन्स देखने को मिले। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डोजेस की, क्या क्या डोजेस हैं इसके। तो इसमें आपको टैबलेट्स देखने को मिलेंगे जिनका आपको प्रयोग करना है, उसको खाना है, और उसके साथ साथ में सिरप का प्रयोग करना है। तो टैबलेट को कैसे खाना है, तो एक टैबलेट सुबह एक टैबलेट शाम रहेगा जिसका आपको प्रयोग करना है, और उसके साथ में आपको जो सिरप का प्रयोग करना है 10 ml सुबह 10 ml शाम, इसमें ढक्कन लगा होता है प्लास्टिक का, उसी ढक्कन से आपको इसको प्रयोग करना है। बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो आपको खट्टी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, अगर कोई महिला स्मोकिंग करती है तो उसका प्रयोग बंद करना है, या फिर ज़्यादा ऑयली फूड, जंक फूड, इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। अगर इन सारी चीज़ों को अवॉइड कर ले जाती हैं तो उनको काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है। एक हो सकता है 1 महीने के अंदर ही उनको रिजल्ट देखने को उनको जो रिजल्ट है, जैसे आज उनका पीरियड ख़त्म हुआ है और कल की डेट से उन्होंने स्टार्ट किया है, तो अगले पीरियड्स यानी नेक्स्ट पीरियड में उनको रिजल्ट देखने को मिल सकता है अगर वो जो है सही तरीके से इसका प्रयोग करती हैं। तो जैसे परहेज जो हो गया, जो जो चीज़ें आपको अवॉइड करनी है वो कर ले जाती हैं, प्लस नियमित रूप से सिरप और टैबलेट का प्रयोग करती हैं, तो काफ़ी बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ महिलाओं में बहुत ज़्यादा हैवी पेन होता है पीरियड के समय तो कौन से दवा का प्रयोग करें। तो अगर जिस टाइम पर पीरियड आ रहा है उस टाइम पर उनको इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो एनाफोर्टान टैबलेट आता है, जो कि आपको सभी मेडिकल स्टोर्स पर लगभग 9 या 10 रुपये पर टैबलेट मिल जाएगा, और प्लस उसके साथ में आपको एसीलाक टैबलेट लेना है। 2 टैबलेट्स का प्रयोग करना है जब तक आपके पीरियड्स हैं, 1-2 दिन, 3-4 दिन जब तक पीरियड्स हैं तब तक आप सुबह शाम में एनाफोर्टान और एसीलाक टैबलेट को ले लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपके पेन में रिलीफ मिल जाएगा आपको, और इस सिरप का आप कंटिन्यूसली प्रयोग करते रहिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सके। तो जो महिलाएँ जिनकी एज जो है कम है, यानी 18 साल से कम है, वो भी इसका प्रयोग कर सकती हैं, यानी 14 साल से लेके, और जितने 14 साल के ऊपर हैं जिनके पीरियड्स आ रहे हैं वो सारी महिलाएं इसका प्रयोग कर सकती हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, बहुत ज़्यादा वीक हैं, वो इसके टैबलेट का प्रयोग ना करें, वो केवल इसके सिरप का ही प्रयोग करें
टैबलेट का प्रयोग ना करें, क्योंकि बॉक्स के अंदर ही इनबिल्ड होता है टैबलेट, तो उसका प्रयोग नहीं करना है। जिनकी जो महिलाएं 18 साल से कम है और बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं तो लोग टैबलेट का प्रयोग ना करें, केवल सिरप का प्रयोग करें। और जो महिलाएं स्वस्थ हैं, ठीक ठाक हैं, वो लोग टैबलेट का भी प्रयोग करें, सिरप का भी प्रयोग करें, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकती हैं। 10 ml सुबह प्रयोग करना है, 10 ml शाम को प्रयोग करना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल गई होगी। और अगर आपको पीरियड्स में हैवी पेन होता है तो उसकी भी जानकारी हमने दे दी है कि आपको एनाफोर्टान और एसिलाक टैबलेट का प्रयोग करना है। तो इन दो टैबलेट्स का केवल पीरियड के समय ही आपको प्रयोग करना है, जब आपको पेन हो रहा हो। और बाकी ये जो चीज़ें हैं ये आपके रेगुलर चलेंगे डेली बेसिस पे, 1 महीने 2 महीने तक आप इसका प्रयोग कर लीजिए। और उसके साथ साथ में जो हमने आपको परहेज बताया, जो आपको अवॉइड करना है, उसका भी विशेष ध्यान रखिए, तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में दोस्तों। लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें तो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रोडक्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखिएगा।